हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेशन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल असाइनमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के बारे में तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आई बटन पर जाके उसको देख लीजिए एंड फिर आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले लैगिंग पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं पहले पावर पावर हमारी क्या होती है। पावर होती है हमारी वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस फाई किसी भी एसी सर्किट के अंदर। ठीक है, एसी सर्किट के अंदर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कोस फाई। ठीक है, अब हमारा पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर हमारा होता है कोस फाई। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, कोस फाई होता है। तो ये क्या होता है, पी बाय वी इंटू आई। ठीक है, ये हमारा किसी पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप ईजिली हमारे लैगिंग पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज को ईजिली आप डिटरमाइन कर सकते हैं, ईजिली आप पता लगा सकते हैं उसका। ठीक है, तो देखिए कैसे। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि कोस फाई जो हमारा पावर फैक्टर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, ये हमारा इक्वल टू कटा के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लगा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हैं, पावर के। ठीक है, पावर के हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और करंट के। ठीक है, इसका मतलब आप जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, मींस कि अगर कोई एक चीज़ हमारी बढ़ रही है, मान लीजिए हमारा पावर फैक्टर अगर हमारा बढ़ रहा है, पावर फैक्टर अगर हमारा बढ़ता है तो हमारा जो वोल्टेज और करंट है ना वो हमारे क्या होंगे, कम होंगे। मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरे उसके अपोजिट होगी, ये होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसके थ्रू हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा पहला डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज कंडक्टर साइज। जी कैसे हुआ, इन कंडक्टर का साइज कैसे इंक्रीज होगा। देखिए अगर मान लीजिए हमारा जो कोस फाई है वो हमारा लैगिंग, हम लैगिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लैगिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा कोस फाई लैगिंग है, मतलब कम है। ठीक है, कोस फाई हमारा कम है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज है और करंट है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैंने बताया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी। ठीक है, दूसरी घटेगी एक पहली बढ़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, कोस फाई हमारा क्या है, डाउन हो रहा है, मतलब लैगिंग हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट क्या होगी, ज़्यादा होंगी। अब करंट और वोल्टेज के ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि हमारा मान लीजिए एक करंट है हमारा 10 एम्पियर है, वो बढ़ना हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने के बाद हमारा 50 एम्पियर हो जाता है। ठीक है, तो 50 एम्पियर जो हुआ है, अब हम पतली से वायर में से तो 50 को निकालेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो वायर बर्न हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडक्टर के साइज को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जो कंडक्टर का साइज जो इंक्रीज हुआ है इसको हम बोलते हैं इंक्रीज कंडक्टर साइज। ओके, क्लियर। अब आता है इंक्रीज पावर लॉसेस। अब देखिए हमारा जब करंट और वोल्टेज हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, देखिए कम अगर हमारे करंट रहेगा, कम वोल्टेज रहेगी, तो हमारे लॉसेज भी उसके अंदर कम ही रहेंगे। ठीक है, लॉसेज भी कम ही रहेंगे। अगर हमारा पावर और वोल्टेज इंक्रीज हो गई तो हमारे लॉसेज भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा इंक्रीज पावर लॉसेज भी इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, लार्ज कॉपर लॉसेज। देखिए अगर हमारा करंट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, करंट बढ़ रहा है हमारा, वोल्टेज बढ़ रही है, मान लीजिए करंट और वोल्टेज हमारा कुछ बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वायर है, पतला जो हमारा वायर है वो हमारा बर्न हो जाएगा, या फिर किसी भी मोटर में लगा लीजिए, अगर लैगिंग पावर फैक्टर हमारा आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो वाइंडिंग कर रखी है हमने मोटर के अंदर वो हमारी क्या होगी, बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो उससे उसको क्या कहते हैं, कॉपर लॉसेज, हमारे कॉपर लॉसेज हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आता है लार्ज रेटिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। अब देखिए मान लीजिए हम पहले यूज़ कर रहे थे 10 एम्पियर का कोई भी हमारा कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, कोई भी हम अपना ऑपरेटर्स लगा रहे थे वो 10 एम्पियर का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, बट हमारा जैसे ही वोल्टेज और करंट की वैल्यू रेटिंग बढ़ी, उसकी वैल्यू बढ़ी, तो हमारा क्या हुआ, हमें इक्विपमेंट जो लगा रहे हैं वो भी ज़्यादा रेटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, लार्ज रेटिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये क्लियर। अब आता है टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, देखिए जैसे हमारा लार्ज जब करंट हमारा जा रहा है सर्किट के अंदर, किसी वायर के अंदर, किसी सर्किट के अंदर, तो क्या होगा, वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, सर्किट जो है हमारा वो क्या होगा, हमारा उसके बाद जो सर्किट का टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से बहुत सारे लॉसेज होते हैं। जैसे हमारे कई मटेरियल होते हैं जो कि जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अफेक्ट होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया तो हमारा सर्किट में लॉसेज वगैरह बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया।
अब ये तो थे हमारे सारे लॉसेज जितने भी हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं कि उसको हम इम्प्रूव कैसे करें, उसको लैगिंग जो हमारे लॉसेज हो रहे हैं इससे हम बचे कैसे, तो वो कैसे बच सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो ये कैसे इम्प्रूव होगा, ये इम्प्रूव होगा जो हमारी अपेरेंट पावर है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वीडियो देख लीजिए, अपेरेंट पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, और रियल पावर या एक्टिव पावर क्या होती है, ठीक है, तो जो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है अपेरेंट पावर, जो हमारे अपेरेंट पावर जिसमें छोटे शॉर्ट में बता देता हूँ कि अपेरेंट पावर जो मोटर को देते हैं वो होती है अपेरेंट पावर, जो मोटर कंज्यूम करती है वो होती है रियल पावर, जो लॉसेस जो पावर नहीं कर पाती है गेन मोटर वो होती है हमारी रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो हमारा जो अपेरेंट पावर जो होती है वो क्या करें, अगर हम उस पावर को रियल पावर के बराबर लाएं, मतलब अपेरेंट जो हमारी पावर है उसको हम बराबर लाएं किसके, रियल पावर के, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉसेज को कम कर सकते हैं इसके अंदर, जो हमारे पावर फैक्टर के लैगिंग पावर फैक्टर के जो लॉसेज हो रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि लैगिंग पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया, कोस कोस फाई इक्वल्स टू पी बाय वी इंटू आई, ठीक है, अगर ये याद हो गया तो, वरना सिंपली आप पावर का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, पावर के फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं, पावर का फॉर्मूला तो याद होता ही है, एसी सर्किट के अंदर सिंपली वी इंटू आई इंटू कोस फाई होता है, ठीक है। तो अगर ये आपको याद है तो आप इजिली पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो चैनल पे, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप इस टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।